हत्या से पूरा देश हिल गया। जानवरों पर होने वाली क्रूरता से हर कोई इसके विरोध में आवाज उठा रहा है। और ऐसे में जब केरल के मुख्यमंत्री आगे आकर ये कहते हैं कि मौसम के मिजाज के कारण लोग इस तरह के तरीके अपना रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हथनी की मौत से मौसम के मिजाज का क्या लेना। लेकिन न्यूज नशा ने हथनी की मौत के बारे में पूरी तरह से जानकारी इकट्ठी की, सरकार की पॉलिसीज के बारे में, लोगों के व्यवहार के बारे में, वहां जानवरों के को मारने के लिए किस तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं, किस तरह से बमों का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह की पूरी जानकारी हमने इकट्ठी करी और कई हैरतअंगेज दर्दनाक चीजें सामने आई कि हथनी की मौत के पीछे, उसको मारने के पीछे वो लोग तो जिम्मेदार हैं ही जिसने उसको खाने में पेट बम जो है बम बनाकर मिलाया, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी केरल सरकार की पॉलिसी की भी है जो इस तरह से लोगों को इजाजत देती है कि जंगली जानवरों का शिकार करें। जी हाँ, तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है इस समय पीटा इंडिया, एक ऐसी संस्था जो जानवरों के विकास कल्याण के लिए सालों साल से देश में काम कर रही है। इसके प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे साथ है मीट अशर, जो रिस्पांस इमरजेंसी टीम के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। मीट अशर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। तो मीत अशर, सबसे पहले हमारा यही सवाल है जो सुनने में बहुत कुछ आया है कि जंगली सुअरों को मारने के लिए लोग जो है इस तरह के तरीके अपनाते हैं केरल में, और ये बहुत कॉमन है, और यह भी पता चला है कि सरकार ने इस तरह की परमिशन दी हुई है वहां पे लोगों को कि वो जंगली सुअर को मार सकते हैं। कौन से तरीके अपनाते हैं इस पर सरकार पूरी तरह से बेपरवाह है, बस उसने परमिशन दे दी है। जो तमाम जानकारी हमको मिली है और इसके आधार पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब हथनी की जो दर्दनाक मौत हुई है, इसके पीछे गिरफ्तारी भी हो गई है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या आपको सच में लगता है कि हथनी को जो है फूड में जो है उसके बम देने वाले लोग इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं, या सरकार की पॉलिसीज जो उसने इस साल जो है इंट्रोड्यूस की है 2020 में जंगली जानवरों को, सुअर को स्पेशली मारने के लिए जो पॉलिसी उसने इम्प्लीमेंट की है, आपको क्या लगता है कि जो इतनी दर्दनाक मौत हथनी को मिली है उसके पीछे असली जिम्मेदारी किसकी बनती है? जैसे मैंने पहले बताया कि ये प्रॉब्लम एक पॉलिसी प्रॉब्लम है जो केरल सरकार ने निर्णय लिया है जंगली सुअरों को मारने का, और या लोगों को उनको मारने देने का जो परमिशन इशू किया है, इस वजह से लोग फलों में, सब्जियों में, फूड ग्रेन्स में बम या जहर मिलाकर छिपाकर अपने खेतों के आसपास बिछा देते हैं। जो पशु इसको खाता है उसकी मौत हो जाती है। अब सरकार इसमें ये तो मॉनिटर नहीं कर सकती है कौन सा पशु खा रहा है कौन सा नहीं, और ये पॉलिसी बेहद गलत है क्योंकि ये बिल्कुल हमारे संविधान के खिलाफ है। जब ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जहां पर फेंसिंग कर सकते हैं खेतों की, या ऐसे यंत्र लगा सकते हैं जिससे बहुत जोर की आवाज हो जिससे पशु डर के भाग जाएं, या अगर हाथी फील्ड्स में घुस रहे हैं तो मिर्ची और पेपर अगर आसपास में बिछा दे तो उससे हाथी नहीं आते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो ये मेथड्स अपनाने का छोड़कर ऐसे क्रूअल मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो मीत अशर का जिस तरह से कहना है कि यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिसी की है, जी हाँ, सरकार ने, केरल सरकार ने 6 महीने के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई है और लोगों को छूट दी हुई है क्योंकि ग्रामीण इलाके हैं, उनके खेतों में इस तरह से जानवर घुसकर, खास तौर पर जंगली जानवर जो होते हैं, जंगली सुअर जो होते हैं, खेतों में घुसकर उनकी फसलें खराब कर देते हैं। तो 6 महीने के लिए सरकार ने इसी साल ये लॉ बनाया है कि वो जंगली सुअरों को मार सकते हैं, और ऐसे में जो है लोग जो है तमाम तरह के गलत तरीकों से इन जानवरों को मारते हैं, और इसमें जैसा कि बताया है उन्होंने कई बार जो पीकॉक हैं, हिरन हैं, हाथी हैं, ये इस तरह की चीजें खा लेते हैं जिसमें कई बार जहर मिला हुआ होता है, कई बार उसमें बम रखे हुए होते हैं, और पूरी तौर पे सरकार का गैर जिम्मेदारा रवैया सामने आता है। और जैसा कि वो बता रहे हैं पीटा इंडिया के लोग जो जुड़े हुए हैं फील्ड से, उनका कहना है कि जानवरों को भगाने के लिए बहुत और तरीके, आप फेंसिंग कर सकते हैं, आप शोर मचा सकते हैं, और कई ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं जिससे आप जानवरों को भगा सकते हैं। ऐसे में जानवरों को मारने के लिए लाइसेंस देना सरकार की ओर से कितनी बड़ी ट्रेजेडी है और क्रूरता है ये, और इसके बारे में तभी जो है केरल सरकार बिल्कुल साइलेंस है, वहां से कोई वर्ड नहीं आ रहा है। जो हथनी की हत्या हुई है वहां पर दर्दनाक तरीके से, उसमें वो लोग तो जिम्मेदार हैं ही जिन्होंने जो इस तरह के इलीगल तरीके अपनाए हैं जानवर को मारने के लिए, चाहे वो जंगली सुअर हो, उसका शिकार बन गई हथनी, लेकिन सरकार की पॉलिसी
पूरी हद तक जिम्मेदार है। और दोस्तों आपको बता दें, समय समय पर इस तरह की जो शिकार होते हैं जानवरों के, इस तरह की जो गलत पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, जो बीमारियां होती हैं, जो हमारे पर्यावरण को नाश हो रहा है, जो फॉरेस्ट जो है लगातार जो है काटे जा रहे हैं, इससे आपको बता दें हमारी जो जंगली जानवर की तमाम स्पीसीज हैं, बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जो खत्म होने के कगार पर हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक रिसेंट रिपोर्ट जो सामने आई है, उसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया भर में 515 ऐसी स्पीसीज हैं जानवरों की, जिसमें मैमल्स भी शामिल हैं, बर्ड्स भी शामिल हैं, रेप्टाइल्स हैं और तमाम तरह के जीव जंतु हैं जो बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारे जंगलों की कटाई, हमारी सरकार की गलत नीतियां, महामारी बीमारियों का जानवरों में फैलना और इस तरह के तरीके जो अपनाए जाते हैं जानवरों को डराने के लिए, उनको खेतों से भगाने के लिए। और जैसा कि मित अशर ने यहां पर बताया है कि वहां पर जो है और भी बहुत से जानवर हैं जो शिकार हो जाते हैं इस तरह से, वो चाहे हथनी हो, चाहे वो मोर हो, चाहे वो हिरन हो, चाहे और कोई जानवर अगर वो खा लेता है और जहर भी देते हैं, बम भी लगा देते हैं और तमाम तरीके के वो जो है हथकंडे अपनाते हैं। तो मीट मशर, ऐसे में एक प्रश्न यही उठता है कि किस तरह से जो है बॉम्बिंग जो है ये बहुत ही खतरनाक तरीका है जो ग्रामीण वहां पर अपना रहे हैं अपने खेतों को बचाने के लिए। और जहर के भी बहुत केसेस सामने आते हैं कि पता चलता है कि जहर मिलाकर पशुओं को खिला दिया है, ये भी केसेस आते हैं। तो आपको लगता है किस तरीके से इनको रोका जाए, क्योंकि ये जो तरीके हैं ये बहुत खतरनाक है। और जो बम है स्पेशली, ये तो अगर जानवरों के खिलाफ यूज हो रहा है तो बहुत बार ये आदमियों के खिलाफ भी यूज हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं? और केरल सरकार अगर परेशान है जंगली जानवरों से, उसके जो ग्रामीण है वो परेशान है जंगली जानवरों से, किस तरह से वो और तरीके जो है अपनाएं और किस तरह से इस बमिंग और इस तरह की जो तरीके हैं उस पर रोक लगाई जाए? सवाल ये है कि जो बेट बॉम्ब्स यूज हो रहे हैं इनको कैसे रोका जाए? इसमें वन विभाग और पुलिस दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जो लोग ये बेट बॉम्ब्स बनाते हैं, एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं और बेचते हैं, इनको पकड़ने की और इनको सजा दिलाने की जरूरत है। ये ना ही वन्य जीव का मामला है, ना ही ये लिमिटेड है एनिमल्स को, इशू को लिमिटेड है, पर ये इंसानों की सेफ्टी पर भी जाता है। कल को ये लोग इंसानों को हानि पहुंचाने के लिए भी ये बम यूज कर सकते हैं अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए, या ऐसे लोगों को ये बम पहुंचा सकते हैं जहां से देशवासियों को इसकी हानि हो सकती है। तो इस चीज में कड़ी कार्रवाई की बहुत ही आवश्यकता है और हमें अपेक्षा है कि केरल सरकार इसमें बिल्कुल न्याय दिलाएगी इस हथनी को और बाकी बहुत ही अन्य जो वन्य जीव हैं जो मीडिया में नहीं उनकी कहानी आ पाती है, पर वो बेहद इसी तरह से दर्दनाक मृत्यु मरते हैं, उनको जस्टिस मिलेगा। तो जैसा कि मीत अशर बता रहे हैं कि पेट बम को रोकने के लिए डेफिनेटली पुलिस और वन्य विभाग के अधिकारियों को मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसे तरीके जो है बहुत ही दर्दनाक हैं, खतरनाक हैं, ये मनुष्य के लिए भी जो है खतरा हो सकते हैं आगे चलकर, इनको रोकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी तो यही बात है कि सरकार को जानवरों को मारने की बजाय उसको भगाने के तरीकों पर ज्यादा ध्यान देने पड़ेगा, क्योंकि कोई भी तरीका अगर ग्रामीण अपनाते हैं, चाहे वो जहर देने का हो, चाहे वो उनको पीट पीट कर मारने को हो, वो दर्दनाक तो है ही। तो ऐसे में अपने खेतों की रखवाली के लिए बहुत से और तरीके हैं जिनको सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और आपको बता दें कि जब जंगली जानवरों का जब शिकार होता है और बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे उनको मार दिया जाता है, देश में पिछले 8 साल में 750 बाघ यानी टाइगर मारे जा चुके हैं। और बड़ा कारण शिकार है और कई और तरीके हैं, महामारियां हैं। और ये जो जानकारी है ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा बाघ प्राधिकरण के तहत जो है सामने आई है और उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में बाघों की पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा मौत हुई है और एक बहुत बड़ा कारण शिकार और इस तरह के गलत तरीके हैं जानवरों को मारने के लिए। तो ये सब देश में चल रहा है और ये जो हथनी की मौत आई है एक बार फिर जो है, और ये भी आपको बता दें केरल में अप्रैल में भी इसी तरह से हथनी की मौत हुई थी लेकिन वो मामला सामने नहीं आ पाया था। तो एक जो वन्य अधिकारी है केरल का, उसने ये जो पोस्ट है शेयर करी और इससे जो ये दर्दनाक मौत है हथनी की सामने आई और लोगों को पता चला कि वहां ऐसा हो रहा है, नहीं तो इस तरह के मामले हशक हो जाते हैं। और दोस्तों आपको याद होगा, आप समय समय पर पढ़ते रहते होंगे कि राजस्थान में जो मोर है वो 20 से 30 मोर जो है मारे पाए गए, जो है बतख मारी पाई गई है, जो हिरन जो है मारे पाए गए, उनको जहर दे दिया गया या उनको मार दिया गया और उसके पीछे कहीं ना कहीं
कारण यही होते हैं कि जो ग्रामीण होते हैं अपनी खेतों की फसल बचाने के लिए इस तरह के तरीके अपनाते हैं, और इसकी आड़ में जो गलत लोग होते हैं वो जानवरों का शिकार करते हैं, और इसके पीछे बहुत से कारण है। ये सबको पता है कि उनके दांत से लेकर, उनकी खाल से लेकर, उनकी हड्डियों से लेकर बेचा जाता है। तो जो सरकार को ऐसे में चाहिए कि जो तरीके हैं, जो केरल सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसको तुरंत वापस ले, कि वो जंगली जानवरों का शिकार बिल्कुल वहां पे नहीं कर सकते ग्रामीण, उसको भगाने के तरीके हैं उसके बारे में ग्रामीणों को जानकारी दे, और जिससे कि जो है जंगली जानवर उनकी फसल जो है वो नष्ट ना कर सके। और आपको बता दें, कुछ साल पहले जो है हाथियों और बाघ ने बहुत से लोगों को मार दिया था केरल में, तो एक छूट दे दी गई थी कुछ लोगों को जानवरों को मारने के लिए, लेकिन लोगों के विरोध के तहत इस छूट को वापस ले लिया गया कि आप जानवरों को नहीं मार सकते। तो सरकार बहुत गलतियां करती है, और समय समय पर जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़ते हैं, और केरल सरकार को भी जो अपना ये फैसला है, अपना ये कानून है, ये बिल्कुल वापस लेना चाहिए, इस पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। वापस हम चलते हैं मीत अशर के पास। मीत अशर, मैं ये जानना चाहूंगी, आपकी जो संस्था है पीटा, काफी हमने नाम सुना है और ये देखा गया है कि आप जानवरों के लिए बहुत से काम करते हैं, डेफिनेटली आपने भी इस मामले की पूरी जांच की होगी, तो पीटा की अपनी जांच में क्या क्या बातें सामने आई और क्या आपके सजेशंस हैं जो आप देना चाहते हैं? ये मामला प्रेस में रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद तुरंत पीटा इंडिया ने इसका संज्ञान लिया। 3 जून को हमने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उनसे संपर्क किया, ये जिले के जो DFO हैं उनसे हमने संपर्क किया, और अन्य सीनियर अधिकारियों से संपर्क करके हम उनके साथ डेली बेसिस में टच में हैं। हमने उनको 51 सेक्शन, जो 51 सेक्शन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वो ऐड करने के लिए कहा है, जिसमें प्रोविजन है पेनल्टी और पनिशमेंट का, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और कम से कम ₹10,000 जुर्माना है, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इससे ये निश्चित हो पाएगा कि इस केस में ज्यादा करके इस पर्सन को या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको बेल ना मिले। पीटा की यही मांग है कि जो सबसे ज्यादा सजा कानून में प्रावधान है, जो 7 साल तक के सजा का प्रावधान है, वो सभी दोषियों को मिलनी चाहिए, और ये जो पॉलिसी है केरल सरकार की उसको स्क्रैप करना चाहिए। तो यहाँ मीत अशर ने बताया कि पीटर ने भी इस मामले की जांच की और खुलकर वो इसका विरोध कर रहे हैं, और उनका कहना यही है कि जो पॉलिसी है बहुत खराब है, कई और तरीके हैं जो फसलों को बचाया जा सकता है, और जैसा कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि केरल सरकार को अपनी पॉलिसी तुरंत वापस लेनी चाहिए, क्योंकि जंगली जानवरों का शिकार बहुत दर्दनाक तरीके से होता है, और ये जो इस तरह के तरीके हैं ये आदमियों के लिए भी ये खतरा है, क्योंकि आदमी भी कई गलती से वो फल और फ्रूट्स खा सकते हैं जो जंगल में रहते हैं, कई बार बच्चे खेलते खेलते पहुंच जाते हैं ग्रामीण इलाकों में, जंगलों में और खेतों के आसपास, वो इन चीजों को खा सकते हैं, तो ये तरीके बहुत गलत हैं, इनको हटाने चाहिए और जानवरों को भगाने के तरीकों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आपको बता दें, इस तरह से जब जानवरों का शिकार होता है, इसमें तो जो केस है वो दर्ज होगा, किस धारा के तहत दर्ज होगा वो पता नहीं है, लेकिन केस रजिस्टर हो गया है, चलो अच्छी बात यह है, लेकिन केरल सरकार को भी जानना चाहिए, महज ये पासिंग द बक नहीं होना चाहिए कि 1 लोगों पे 3 लोगों पे आपने केस रजिस्टर कर दिया क्योंकि उन्होंने बम लगाया है, ये जो इलीगल तरीका वो उन्होंने गलत किया, लेकिन पॉलिसी तो सरकार की थी, सरकार ने उनको परमिशन दी है कि वो जंगली सुअरों को शिकार करें, ऐसे में वो खुलकर सामने आ गए, कोई भी तरीके अपना रहे हैं और कोई उन पर नजर रखने वाला नहीं है। और आपको यहां बता दें, हमारे जो 1972 में जो एक्ट बना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें 25,000 का जुर्माना होता है ऐसे लोगों पर जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जानवरों को मारते हैं, 2 साल की सजा होती है, और दोबारा यदि कोई पकड़ा जाए तो 7 साल की सजा होती है, 2 साल की सजा कुछ नहीं होती। जिस दर्दनाक तरीके से ये लोग जो पोचर्स हैं, स्पेशली जो शिकार करते हैं जानवरों का, वो जानवरों को मारते हैं, उनकी खाल उतार के ले जाते हैं, और समय समय पर इस तरह की घटनाएं हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और बहुत ही दर्दनाक है। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए आज हमने पूरी बात आपने सामने रखी, और अब हर कोई जान गया होगा कि केरल के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसके पीछे मतलब क्या है। अपनी पॉलिसी को छुपाने के तरीके हैं ये केरल सरकार के, कि जो उनकी अपनी पॉलिसी है, 6 महीने के लिए उन्होंने जंगली सुअरों का शिकार करने की परमिशन दी, और ये जानने की कोशिश ही नहीं करी है कि लोग किस तरह से शिकार कर रहे हैं जंगली सुअरों का, किस तरह के तरीके, गलत तरीके, खतरनाक तरीके, इलीगल तरीके अपना रहे हैं, ये जानने की कोशिश ही नहीं की जा रही है। सिर्फ एक परमिशन दे दी है, एक लाइसेंस दे दिया है कि आप शिकार कीजिए जंगली सुअरों का, और ऐसे शिकार में जो है हथनी की मौत आपके सामने है, लेकिन छोटे छोटे जानवर मरते हैं, वो सामने नहीं आ पाते हैं उनकी मौत, लेकिन ऐसा हो रहा है फील्ड में। तो दोस्तों, हम सबको मिलकर इसके अगेंस्ट आवाज उठानी है कि केरल सरकार
जल्दी से जल्दी ये पॉलिसी जो है 6 महीने वाली बिल्कुल अपनी वापस ले, क्योंकि ये गलत है, खतरनाक है, जानवरों को दर्दनाक मौत देने का एक लाइसेंस है जो लोगों को दे दिया गया है। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए आज हमने पूरी बात आपने सामने रखी और अब हर कोई जान गया होगा कि केरल के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसके पीछे मतलब क्या है। अपनी पॉलिसी को छुपाने के तरीके हैं ये केरल सरकार के, कि जो उनकी अपनी पॉलिसी है 6 महीने के लिए उन्होंने जंगली सुअरों का शिकार करने की परमिशन दी और ये जानने की कोशिश ही नहीं करी है कि लोग किस तरह से शिकार कर रहे हैं जंगली सुअरों का, किस तरह के तरीके, गलत तरीके, खतरनाक तरीके, इलीगल तरीके अपना रहे हैं, ये जानने की कोशिश ही नहीं की जा रही है। सिर्फ एक परमिशन दे दी है, एक लाइसेंस दे दिया है कि आप शिकार कीजिए जंगली सुअरों का, और ऐसे शिकार में जो है हथनी की मौत आपके सामने है, लेकिन छोटे छोटे जानवर मरते हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं उनकी मौत, लेकिन ऐसा हो रहा है फील्ड में। तो दोस्तों, हम सबको मिलकर इसके अगेंस्ट आवाज उठानी है कि केरल सरकार जल्दी से जल्दी ये पॉलिसी जो है 6 महीने वाली बिल्कुल अपनी वापस ले, क्योंकि ये गलत है, खतरनाक है, जानवरों को दर्दनाक मौत देने का एक लाइसेंस है जो लोगों को दे दिया गया है। और न्यूज नशा की कोशिश है आपको जो भी न्यूज है उसकी गहराई तक पहुंचाया जाए, उसकी सच्चाई से आपको अवगत करा जाए, चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज हो, चाहे वो सोशल न्यूज हो। और अब आपके सामने हथनी की मौत का हमने रहस्य जो है वो खोला है, उसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं वो बताया है। और ऐसे में आप हमेशा बने रहिए हमारे साथ, यानी न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं, आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।